हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय अनदर व्लॉग, अनदर डे, अनदर व्लॉग। सो विद मी आज भी सेम अर्जुन श्रेष्ठ, और आज हम लोग पान खाया हुआ है। सो विशेषकर आज हम लोग यहाँ पे वार क्या है, ये पार्क है। यहाँ आपको आप देख सकते हैं, यहाँ पे टैंक है, मिसाइल है। रुको जरा पहले बता दो ये जगह का नाम क्या है। ये वार मेमोरी बोल के मेमोरियल, वार मेमोरियल पार्क है ये, जो गुवाहाटी पे है, जो ये बान ये क्या बता रहे, ये फैंसी बाजार के सामने पे, ब्रह्मपुत्र का अपोजिट साइड पे। तो आप लोगों को मैं सब दिखाऊंगा पीछे के कैमरा से। अभी फिलहाल हम लोग जस्ट एंट्री किया है, फ्री का एंट्री है, बहुत बढ़िया है देखने के लिए आप लोग। और यहाँ पे ज्यादा बार कपल लोग आते हैं और आके यहाँ पे मजे करते हैं। देखो आप इतना कॉपस बैठा हुआ है, हम लोग तो अभी कॉपस नहीं है, दोनों आए। याद रखो क्या बोल रहा है। तो आप लोगों को दिखाते जाऊंगा, आप लोग खुद देख लेना। तो जैसे कि बोला है कि ये वार मेमोरियल है, तो आप फिलहाल जाहिर सी बात है कि वार का सामान लोग ही आपको देखने के लिए मिलेगा। या देख सकते हैं आप टैंक जो इंडियन आर्मी का है, शायद ओरिजिनल है, इंडियन आर्मी 360 है, जो पहला वार में यूज किया होगा शायद। ये म्यूजियम जैसा म्यूजियम की तरह ही ये सब रखा हुआ है। उधर भी बहुत सारा रखा हुआ है। इधर एक गार्डन की तरह बना है, उधर मेजर वो मिग 22 जैसे मालूम नहीं क्या, लेकिन नज़दीक जाके दिखा दूंगा। यहाँ पे गार्डन जैसे भी बनाया गया है, और इधर अमर जवान शहीद का जो अर्पित किया गया है यहाँ पे। उधर जो दिखाया यार, क्या है वो जो ये एंशिएंट टाइम का, जो जैसे आप समुद्र पे वार होता है तो ऐसे शिप लेके जाते हैं, और उन लोग अपना बाण और अपना दरिया क्या क्या बोल रहा है वो लेके। आज पान खाया है ना, आज बिंदास बनाएगा। ठीक है, जल्दी बैटरी नहीं ना मोबाइल में। चलो तो आपको दिखा दूंगा, ये मिग 22 मिग 22 सॉरी मिग नहीं 522 ये मिग, ये सिंगल बेस है ये। तो आपको चढ़ना मना है, लेकिन अभी मैं ऐसे ही उड़ देता हूँ। अभी देख सकते यार, प्योर अभी भी पूरा अभी भी ताज़ा है, जैसे कि अभी अभी रखा हुआ जैसा। इसे भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है, ये सकते हैं आप। वो एपीजे हम लोग का भूतकाल प्रेसिडेंट हम लोग का एपीजे अब्दुल कलाम ने जो बनाया था ना, वो मिसाइल था ना, वो RS-13 सेम मिशन मिसाइल, वो पेंसिल मिसाइल ने क्या बोलता है ना, वो पेंसिल मिसाइल है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये वार मेमोरियल गुवाहाटी कंस्ट्रक्शन कमिटी, वार मेमोरियल गुवाहाटी, ये पढ़ सकता है आप लोग यहाँ में। सो गाइस, आप देख सकते हैं अभी यहाँ से जो विभिन्न किस्म के चित्रकार चित्र किया है। यहाँ पे फैमिली जो पुराना जो ट्रेडिशनल टाइप का घर बनाया गया है, यहाँ पे खेती कर रहा है जो किसान है वगैरह, वो लोग स्टेयर्स दाव भाला कुछ सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एंशिएंट टाइम में कैसे हुआ, एंशिएंट टाइम में जो हाथी का ऊपर है, जो ये क्या रानी लक्ष्मीबाई होगा शायद, नहीं उसको नीचे पे घोड़ा उसको ऊपर से मार रहा है, पता नहीं ये पृथ्वीराज चौहान शायद होगा, पता नहीं। तो ये क्या है, ये मछली है देखो, एक आर्टिक इतना सुंदर नेचुरल बनाया गया है ना, जो फोटो खींचा हुआ जैसे आर्टिफिशियल है, लेकिन तो पूरा ये घास जो बनाया गया है देखो ना। ओ भाई साहब, ऊपर में भी देखो तो ओ भाई साहब, इधर देखो, इधर हमारा सो रियल बनाया गया है। अंदर में जो फौजी लोग रखा हुआ है उसको जो खींच के उठा रहा है ऊपर पे जंगल में, और उधर वो एक जो भाला मार रहा है, एरो मार रहा है वो ना, धनुष चिड़ी बोलते हैं यहाँ पे। एंशिएंट टाइम में जैसे सागर में वार होता था ऐसे होता है, देखिए आप लोग यहाँ से, यहाँ पे पूरा चित्र में उतारा गया है कैसे पहले वार होता था। रियल जैसा दिखाई देता है, 3D पिक्चर देखेगा ना लोग, महाराजा द किंग ऑफ आसाम, वेल दे आर फाइटिंग इन बैटल फील्ड, दे यूज टू फाइट लाइक दिस टेकिंग हॉर्स एंड यू नो दैट एनिमल्स एंड ऑल दैट। ये क्या है, ये भारत रत्न अवार्ड अवार्ड्स है, वीर चक्र यू नो इन ये अवार्ड जो 1962 में लड़ाया गया था ना,
1962 में जो वार हुआ था, जो फंसा गया था ना, जो मिट्टी में जो फंसा गया था, जो जेट फाइटर लेन में तोप वगैरह और नीचे में टैंक लॉक वगैरह देख सकते हैं आप लोग, उसका जो वो सैंड में जो वो लोग का रूट्स बनाए गए वो भी इतना। ये हमारा भारत के महान महान व्यक्ति लोग हैं यहाँ पे, ये जो वंदे मातरम इंडो पाकिस्तान वॉर का इंडो पाकिस्तान वार का जो मीटिंग किया गया था उन लोग वहाँ से वार करने के लिए, रंजीत सिंह यहाँ पढ़ सकते हैं अच्छे से। बॉर्डर फिल्म का जैसा दिखाई देता है ना, रेल दिखाई दे रहा है ना, पेंट भी दे रहा है देखो। K89 इंजन ये सब आर्टिलरी फायरिंग के लिए रखा गया है, ये शायद वो समुद्र के नीचे का स्थान में जो जाता है ना, वो क्या बताओ, सबमरीन कराची में अटैक किया गया था। ये जब टाइगर हिल में जब जीत हासिल किया था भारत ने उस टाइम में 1999 अरे यार हमको मालूम है सब, यार आप पढ़ रहे हो, हम ये देख के चित्र देख के मालूम चल गया मेरे को, ये वीर अवेट, ये सूर्या एवर्ट, भारत रत्न एवर्ट, ये सब का जैसा साइन है ये ऐसे होगा आपका, वो जो बता रहे वीर चक्र होता है ना, वीर चक्र विक्टोरी मेडल, इधर आप देख सकती हो यहाँ पे सब चित्र में दर्शाया गया है, आपको यहाँ देख सकती है आप लोग कैसे ब्रिटिश के साथ में हम लोग का भारत का वीर जवान लोग शहीद हुए थे, लड़े थे, तो हम लोग का हिस्ट्री में। यहाँ पे आप लोग आइए एक बार वार मेमोरियल पे, यहाँ पे आप लोग आगे खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में हम लोग मेंशन कर नहीं पाएंगे, इसीलिए आप लोग 1861 का ये। और आज मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला है अर्जुन सरस्ता से कि वो भी मुझे साथ दे रहा है मेरे वीडियो पे, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनको भी। तो आर्टिस्ट है ना, जो आर्टिस्ट बनाया गया है ना सुपर, उसके लिए भी एक ह्यूज रेस्पेक्ट बनाया गया है, जो आर्टिस्ट एक नेचुरल जैसा बनाया गया है, जो ये 1942 का क्वाइट इंडियन मूवमेंट इन आसाम, ये 1942 में हुआ था ब्रिटिश का साथ में, रिवोल्ट ऑफ 1857 का ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र बनाया गया है, यहाँ पे पूरा दर्शाया गया है वहाँ कैसा, भगत सिंह नहीं, वो मंगल पांडे का टाइम है, मंगल पांडे पता नहीं कौन को नहीं, उसी टाइम है ना, ये भी देख सकते हैं आप। एंग्लो मणिपुर वार 1891 में जो हुआ था मणिपुर में वार, उसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो अर्जुन अभी टॉयलेट कर रहा है वो, उसके लिए मैं बाहर में थोड़ा रुक रहा हूँ, इसलिए जब तक वो निकल ना जाए तब तक मैं ये पीछे में देख रहा है आप वार मेमोरियल म्यूजियम, उस पर घुसके थोड़ा प्रयास करूँगा घुसके थोड़ा आप लोग को डिस्प्ले करने के लिए, अंदर पर क्या क्या है टॉयलेट को पता नहीं, जाने देगा कि नहीं देगा, बट एक बार जाके देखूँगा इसमें क्या होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन फ्लैग और बाकी ये क्या फ्लैग है पता नहीं हमको भी, आई डोंट हैव एक्चुअल नॉलेज अबाउट ऑल दिस ऑल दोस फ्लैग्स, बट इट्स ऑल रिटन बिलो, सी यहाँ पे देख सकते हैं राज्य सैनिक बोर्ड, ये सब दिखाया गया है यार, यहाँ पे भी जो रेजिमेंट लोग का दिखाया गया है, यहाँ पे सब रेजिमेंट का नाम है, जैसे कि इन्फेंट्री और आर्म फोर्सेस आर्मर क्रॉप्स लॉक सब सबका यहाँ पे दिया गया है, ये थर्ड गोरखा राइफल्स, फोर्थ फाइव गोरखा राइफल्स, वन गोरखा राइफल्स, ये बिहार रेजिमेंट, कुनाल नागा रेजिमेंट, सब दिखाया गया है यहाँ पे, डायरेक्टरी ऑफ सैनिक वॉर फॉर आसाम, लेट्स गेट इन, अंदर भी क्या होगा जाके देखेंगे, एंड दिस रूम इज टोटली अंडर सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी सर्वेलेंस,
सो यहाँ पे सब एक नक्शा लगाया गया है जहाँ पे वार हुआ था, कैसे हुआ था, ये म्यूजियम है ना, सब कौन कौन वहाँ पे कौन उसका जो लीड किया था वार को कौन लीड किया था, सब कुछ यहाँ पे बैटलफील्ड का वो नक्शा दिया गया है। सब पढ़ के सुना नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत टाइम शॉर्टेज है। द सेना मेडल इज अवार्डेड टू द पर्सन ऑफ द नाम, यहाँ पे भी किस किस को रिसिप्शन ऑफ सेना मेडल किस को मिला दिया गया है। सो यू कैन सी ऑल दोस वेपन्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंस डिग्रामिन आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली इट इज, यहाँ पे जैगुआर MiG-29 SU-30 MKI ये सब जेट फाइटर लोग, शायद ये सबमरीन होगा शायद अंदर वाला जो नदी के अंदर पे जाता है ना, समुद्र के अंदर पे, आई डोंट नो एक्चुअली इट्स आई एयर अपाचे A-64E MiG-21 राफेल भी है यहाँ पे देख सकते हैं, राफेल जो पता है राफेल के बारे में क्या क्या है। And this is INS Delhi. And all those were the brave heroes, war heroes of Assam. पैसा पे करके उन लोग बोटिंग करने के लिए जाता है। और इतना ज्यादा बोटिंग है ना यहाँ पे, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है। और उधर देखिए यहाँ पर शिक्षक लोग कैमरा खींच रहे हैं, उन लोग कितना आगे घूम रहे हैं, कपल्स लोग आते हैं, कपल्स लोग ज्यादा उधर रहता है, जाने के दिल है, लेकिन किधर से जाते हैं हम लोग को, अभी इधर से जाना पड़ेगा। हम लोग भी जाएंगे एक बार ऐसा करके जाके देखते जाएंगे। तो यहाँ पे तो क्या देखा नहीं, बोटिंग तो किया हुआ है कितना बार, तो क्या करेंगे ना बोटिंग। चलो तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ का वॉर मेमोरियल, ये जो म्यूजियम है या वॉर मेमोरियल सब कुछ डिस्क्लोज कर चुका है, हम लोग दिखा चुका है। अभी उस पॉइंट में जाएंगे बोला, लेकिन वो दूसरा कॉम्प्लेक्स है बोला, दूसरा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे वो लोग लड़का लड़की बहुत डेटिंग मारे थे। अभी क्या करेंगे, जाएगा कि नहीं जाएंगे? ऑफकोर्स जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे, मजा लूटेंगे। तो गाइस अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं दूसरा एपिसोड में बनाऊंगा, अगर खटा रहा तो मैं यहीं पे एड कर दूंगा। सो देखते रहना आप।